hello my dear friends welcome on my youtube channel how are you are you enjoying the videos if you like the video then please give the feedback in the comment section if you are new to the channel hai, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for the latest notification a topic is grocery of selected fibers and textile terms i am akanksha singh i am pursuing phd from vasant naik marathwada agriculture university maharashtra

विद दिस टैंड मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज में या फाइबर या फैब्रिक में कोई डैमेज नहीं होता है उसको बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस मीन्स डैमेज से बचाना नेक्स्ट इज एयर जेट स्पिनिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ स्पिनिंग फाइबर फैब्रिक इन विच हीट इज नॉट यूज जिसमें हीट थर्मोप्लास्टिसिटी या हीट का यूज़ नहीं होता है कई सारे ऑप्शन थे इसमें था एयर जेट स्पिनिंग तो एयर जेट स्पिनिंग में हीट का यूज़ नहीं होता है स्पिनिंग सिस्टम इन विच यार्न इज मेड बाय रैपिंग फाइबर्स अराउंड अ कोर स्ट्रीम ऑफ फाइबर विथ कंप्रेस्ड एयर इसमें फाइबर जो भी है उसे यार्न बना जब बनाते हैं तो उसमें एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं एयर को इंट्रोड्यूस करने से उसमें टेक्सचर डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं एयर जेट स्पिनिंग नो एयर परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी मीन्स क्रॉस करना किसी सरफेस को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना पोरोसिटी उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी द पोरोसिटी और द ईज विद विच एयर पासिस थ्रू मटीरियल कोई मटीरियल है लाइक like कोई क्लॉथ है ऐसे उससे एयर अगर पास करके पास करके जाती है दन तो उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऐसे तो इट ऑल्सो मीजर्स ऑफ वॉम और कूलनेस ऑफ फैब्रिक लाइक कॉटन कॉटन में देखो एयर परमेबिलिटी अच्छी होती है वो उससे कूलनेस गर्मियों में कॉटन का यूज़ करते हैं क्योंकि उससे कूल cool फीलिंग आती है एयर को परमेबिलिटी है एयर को पास होने देता है इसको बोलते हैं एयर परमेबिलिटी पासिंग ऑफ एयर फ्रॉम थ्रू द मटीरियल और क्लॉथ एनी ये हिंदी में है तो हिंदी में भी देख लीजिए देन नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग ट्विस्ट टेक्स्चरिंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस इन विच एस एंड जेड ट्विस्ट आर अल्टरनेटली इंसर्टेड इन दाई मीन्स ऑफ स्पेशल हीटिंग अपरेटस अल्टरनेटिंग ट्विस्ट मीन्स अल्टरनेट एक के बाद एक पहले एस ट्विस्ट फिर देन जेड ट्विस्ट फिर एस ट्विस्ट देन जेड ट्विस्ट मीन्स किसी स्पेशल हीटिंग अपरेटस के थ्रू यार में टेक्चर करना पहले उसको एस मीन्स ऐसे इधर की तरफ ट्विस्ट करना देन जेड उसको राइट हैंड हैंडे लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करना देन राइट right की तरफ ट्विस्ट करना एक टेक्सचर प्रोवाइड करना थ्रू एनी स्पेशल हीटिंग अपरेटर्स उसको बोलते हैं अल्टरिंग ट्विस्ट देन आता है बैलेंस्ड क्लॉथ टर्म डिस्क्राइबिंग वुवन फैब्रिक विद द सेम साइज यान एंड द सेम नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इन बोथ द वार्प एंड फिल डायरेक्शन मीन्स से कोई क्लॉथ है कुछ एरिया में लाइक like इतने एरिया में लिमिटेड वार्प जितने वार्प थ्रेड हैं उतने ही फिलिंग थ्रेड होना बैलेंस्ड लाइक फोर वार्प थ्रेड हैं देन फोर फिलिंग थ्रेड हैं बैलेंस्ड हैं दोनों तो उनको बोलते हैं बैलेंस्ड क्लॉथ देन आता है बास्केट वीव अ वेराइटी ऑफ द प्लेन वेरिएशन ऑफ द प्लेन वीव इन विच टू आर मोर वार्प और फिलिंग आर साइड साइड टू टू फिलिंगल अ प्लेटेड बास्केट लाइक ये सिंपल सी प्लेन वीव है इसके बाद इसमें दिया है कि टू आर मोर वार्प एंड फिलिंग इसमें एक के साथ कई सारे दो या दो से अधिक वापस को यूज करना जिससे एक प्लेटेड इफेक्ट आता है एक रेस्ड बास्केट टाइप इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं बास्केट फीव देन नेक्स्ट इज हिंदी में है ये देख लीजिए आप देन नेक्स्ट इज बीम अ सिलेंडर ऑफ वुड और मेटल यूजुअली विद अ सर्कुलर फ्लाइंग ऑन ईच एंड ऑन विच वाप आर वीविंग एंड वापिंग निटिंग देखो ये है लूम हैं लूम ये जो एक बीम है जिसपे ये थ्रेड वार्प हैं इसको बोलते हैं वीम यहाँ पे ये थ्रेड कपड़े जो भी वीविंग होने से पहले का है तो इसको बोलते हैं वार्पिंग बीम और इधर यहाँ पे वीविंग प्रोसेस हो रही है सेम बीम इधर साइड पे है वहाँ पे क्लॉथ प्रिपेयर होके वार्प हो रहा है उसको बोलते हैं क्लॉदिंग बीम्स क्लॉदिंग बीम ठीक है ये जो सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बीम ये हिंदी में उसके बाद आता है बीमिंग द ऑपरेशन ऑफ वाइंडिंग वार्प यान ऑन अ बीम यूजली इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लैसिंग वीविंग और वार्प नीथिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड वार्पिंग बीमिंग को वार्पिंग जो बीमिंग की प्रोसेस प्रोसेस है उसको वार्पिंग भी बोलते हैं और ये बीमिंग क्या होता है ये जो इस पर ये वार्प हैं इस पर जो वाप जो वाप थ्रेड को लपेटा हुआ है इस वाप थ्रेड को इस बीम पे लपेटने की प्रोसेस को बोलते हैं बीमिंग सो नेक्स्ट इज बीटिंग अप द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द लूम इन वेविंग एंड वेज द लास्ट पिक पिक मीन्स जो लाइक ये वाप थ्रेड्स हैं इनमें जो फिलिंग्स इंसर्ट करते हैं इनको पिक्स बोलते हैं तो लास्ट पिक इंसर्टेड इन द फैब्रिक इज बीट इंटू पोजिशन अगेंस्ट द प्रिसडिंग पिक यूजली अ कॉमलाइक डिवाइस कॉल रीड जैसे ये पिक्स हैं इनको इंसर्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ कुछ गैपिंग आ गई तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए कुछ कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसको कॉम करेंगे तो ये पास पास आ जाएगा जैसे हेयर्स को कॉम करते हैं उलझे हुए होते हैं बट जब उनको कॉम करते हैं तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में पास पास हो, के, हो जा हो के सेट हो जाते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस ये है इसमें पिक्स को इंसर्ट किया तो लूज कहीं पर लूज है अन इवन है इनरेगुलर है जब इसको कॉम करेंगे उस कॉम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीड उसको कॉम करेंगे तो ये सारे पिक्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे उसको बोलते हैं बीटिंग अप ये पिक्स को एक प्रॉपर लाइन में अरेंज करने की प्रोसेस को बोलते हैं बीटिंग अप देन आता है बाई कॉम्पोनेंट यान स्पिन और फिलामेंट यान ऑफ टू जेनरिक फाइबर और टू वेरियंट्स ऑफ सेम जेनरिक फाइबर बाई मीन्स टू कंपोनेंट्स मीन्स दो कंपोनेंट वो सेम कंपोनेंट हो सकते हैं कॉटन 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 सिल्क सिल्क एंड सिल्क मीन्स दो फाइबर होंगे वो जरूरी नहीं कि सेम हो या डिफरेंट हो दो फाइबर को मिला के एक यान बनाना उसको बोलते हैं बाई कंपोनेंट यान नेक्स्ट ये हिंदी में है द नेक्स्ट इज ब्लीडिंग द लॉस ऑफ कलर बाई अ फैब्रिक और यान वन इमर्ज इन वाटर सोलवेंट और सिमिलर लिक्विड मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ इम प्रॉपर डाइंग और द यूज़ ऑफ डाई ऑफ पुअर क्वालिटी लाइक को भी देखो कुछ क्लॉथ्स होते हैं उनको जब वॉश करो या पानी में उन्हें डिप करो या पानी में भिगो दो तो उसमें से कलर निकलने लगता है ये जो कलर निकलता है इसको बोलते हैं ब्लीडिंग ये हो सकता है कि डाई अच्छी यूज ना हुई हो या फिर पुअर क्वालिटी की डाई हो इसकी वजह से कलर जो फेब्रिक से जो कलर निकलता है उसको बोलते हैं ब्लीडिंग देन आता है ब्लेंड अयार ऑब टेन वेन टू और मोर स्टेपल फाइबर्स आर कंबाइंड इन अ टेक्सटाइल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पिन यार जब दो यार को जो स्टेपल फाइबर्स हैं उनको यूज करके एक टेक्सटाइल उसको यूज करके एक स्पन जो ऐसा फाइबर बनाते हैं जिससे स्पिन किया जा सके जिससे स्पिनिंग में यूज़ किया जा सके उसको बोलते हैं ब्लेंड देन आता है ब्रीडिंग द इंटरविंग ऑफ थ्री देखो ब्लैंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क क्योंकि okay, सिल्क को कोकून से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभी सिल्क टूट जाता है वो खरा डैमेज हो जाता है तो सिल्क इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड उसकी जो कल्टीवेशन है वो प्रोसेस भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो उसमें जो स्टेपल सिल्क जो सिल्क के फ्लामेंट ब्रेक हो जाते हैं स्टेपल फॉर्म में हो जाते हैं तो उनको यूज़ करके वो स्टेपल सिल्क को यूज़ करके स्पन परन बनाते हैं कि उनको यान में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे उन्हें स्पिन किया जा सके तो ये जो स्पन यार्न वाला जो क्लॉथ आता है वो तो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है बट ये उसका यूज़ हो जाता है कि मीन्स सिल्क को वेस्ट नहीं जाने देना है तो उसको बोलते हैं स्पन यार्न ब्रेडिंग द इंटर माइंडिंग ऑफ थ्री आर मोर स्टेंट टू मेक अ कॉर्ड और अ नैरो फैब्रिक ब्रेड सिंपल मीन्स जैसे छोटी गुदते हैं ब्रेडिंग ऐसे ही तीन या उससे अधिक स्ट्रैंड को लेके कुछ रोप कॉर्ड या रस्सी टाइप कुछ फैब्रिक बनाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेडिंग सिंपल एग्जाम एग्जाम्पल जो हम छोटी छोटी कूदते हैं सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर में अगर कोई फैब्रिक है या फाइबर बन रहा है या कॉर्ड के स्ट्रक्चर में उसको बोलते हैं ब्रेडिंग सो so, ये है हिंदी में थैंक यू दिस इज़ माई फेसबुक पेज आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं देन दिस इज़ वे टू जैरफ़ इज दूट यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो